क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। आप सबों को जय मसीह की। मैं अभी चौथी वाणी के ऊपर अपने विचार रखूंगी, यीशु मसीह के क्रूस पर कहे हुए चौथी वाणी। कोई मेरे लिए पढ़ दे, मत्ती 27:46। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहाँ वचन में लिखा है कि यीशु मसीह उस समय जब क्रूस पे थे और चौथी वाणी बोलने वाले थे, उस समय के पहले की घटना है। 45 में देखिए, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा, और तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये यीशु मसीह के क्रूस पे कहे हुए चौथी वाणी है, जो यीशु मसीह ने आरामी भाषा में बोला, क्योंकि यीशु मसीह की बोलचाल की भाषा आरामी थी। और ये जैसा यीशु मसीह ने कहा था, वही ओरिजिनल शब्दों में बाइबिल में लिखा हुआ है। ये वाणी चौथी वाणी, एली एली लमा सबक्तनी। एली मतलब परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर। लमा सबक्तनी मतलब तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उस समय पूरी पृथ्वी पर अंधेरा छा गया था, दूसरे पहर से लेकर तीसरे पहर तक। सूर्य भी अपने सृष्टिकर्ता के दुख को देखकर ऐसा लग रहा था कि यीशु मसीह के दुख को वो देख नहीं पा रहा था, और इसलिए सूर्य भी छिप गया था और पूरी सृष्टि में अंधेरा छा गया था, और वहाँ एक घोर अंधकार का समय था। और ऐसा आप कह सकते हैं, अकेलेपन का अनुभव यीशु मसीह ने किया। जैसे कि हम जानते हैं, यीशु मसीह 100% मनुष्य के पुत्र थे और 100% परमेश्वर के पुत्र हैं। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे तो परमेश्वर पिता की आज्ञा मानते थे और उनकी संगति में हमेशा रहते थे और परमेश्वर की इच्छा को ही पूरी करते थे। पर यहाँ इतनी भयानक पीड़ा थी कि यीशु मसीह को वो आप और मैं समझ नहीं पाएंगे। हम तीन बातों को देखेंगे कि यीशु मसीह ने क्या क्या सहा उस समय जब वो चौथी वाणी बोल रहे थे। तीन बातें हम देखेंगे। पहली बात हम देखेंगे, व्हाट ही सफर्ड, यीशु मसीह ने क्या दुख उठाया। यीशु मसीह ने ये दुख उठाया कि परमेश्वर ने उसे थोड़े समय के लिए छोड़ दिया था। गॉड हैड फॉरसेकन हिम फॉर अ वाइल। जैसे हम जानते हैं कि मेंटल ग्रीफ मतलब मानसिक पीड़ा बहुत ही भयानक पीड़ा होती है। शारीरिक पीड़ा से भी भयानक मानसिक पीड़ा होती है। शरीर की पीड़ा को तो कोई थोड़ा बहुत सह भी सकता है, लेकिन जो मानसिक पीड़ा होती है वो ज़्यादा दुखदायी होता है। शायद आप भी इस बात से सहमत होंगे, मेंटल ग्रीफ इज़ हार्डर टू बियर देन द फिजिकल पेन। एक बार मनुष्य अपने आप को स्पिरिचुअली या आत्मिक जो डिप्रेशन होता है उसको सह भी सकता है, ये सोचकर कि परमेश्वर पिता उसके साथ है। लेकिन जब उसे पता चलेगा कि परमेश्वर उसके साथ नहीं है, तो वो एक घड़ी भी उसके लिए बहुत असहनी हो सकता है। यीशु ने दो बार कहा, हे मेरे परमेश्वर। दो बार क्यों कहना पड़ा यीशु मसीह को? ये दिखाता है कि यीशु मसीह को परमेश्वर पिता पर पूरा भरोसा है, उसकी उपस्थिति पर पूरा भरोसा है। कोई हमारे लिए पढ़ दे, 2 कुरिन्थियों 5:21। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। यहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे लिए पाप ठहराया, पाप बना दिया परमेश्वर ने यीशु मसीह को, और उसके बाद परमेश्वर ने उस पाप की सज़ा यीशु मसीह को दिया, जिसकी सज़ा हमको मनुष्य जाति को मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसको यीशु मसीह पर लाद दिया। और ना केवल पाप, श्रापों को भी परमेश्वर ने यीशु मसीह को लाद दिया, और यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया। और परमेश्वर पाप को देख नहीं सकते, परमेश्वर पिता पाप को नहीं देख सकते हैं, और इसलिए थोड़ी देर के लिए यीशु मसीह को उनसे अलग होना पड़ा। एक बार सोचिए, एक इमेजिन करिए कि उस समय जब यीशु मसीह क्रूस पर थे, उस समय क्या क्या हो रहा था। घटना चक्र को यदि अपन ध्यान से अपने दिमाग में लगाएंगे एक बात को, तो समझ में आएगा कि यीशु मसीह को कोड़ों की मार सही यीशु मसीह ने
कोड़े लगाए गए 29 कोड़े, कांटों का ताज का दर्द, कीले ठोकने का दर्द, खून बहने का दर्द, भारी क्रूस उठाकर चलने का दर्द, आप समझते जाइए मैं क्या क्या बोल रही हूँ उसको, इमेजिन करिए, ठट्ठों में उड़ाए जाने का दर्द, यीशु मसीह को ठट्ठों में उड़ाया गया, अपने ऊपर थूके जाने का दर्द, एक मरे हुए कुत्ते पर भी इंसान थूकना नहीं चाहता, लेकिन यीशु मसीह को थूक भी सहना पड़ा अपने ऊपर, यहूदा इस्कारियोती के विश्वासघात करने का दर्द, पतरस के 3 बार इंकार करने का दर्द, जिस पत्थर को यीशु मसीह ने कहा कि इस पे अपनी कलीसिया बनाऊंगा, इन सब के दर्द को यीशु मसीह ने चुपचाप सह लिया। जो शारीरिक पीड़ा थी, मानसिक पीड़ा थी, वो बहुत थी, लेकिन उसके लिए उसने परमेश्वर पिता से कोई शिकायत नहीं की, और यीशु मसीह ने सब बातों को सह लिया, सब पीड़ाओं को सह लिया, और परमेश्वर पिता से कुछ भी नहीं बोला। लेकिन जब पिता से अलगाव की घड़ी आई, तब तो यीशु मसीह का दुख पूरा फूट के बाहर आ गया, वो अलगाव को परमेश्वर पिता का सह नहीं पाया। ये दुख यीशु मसीह के लिए उन दुखों से बहुत भारी था, उस दर्द से बहुत भारी था जो यीशु मसीह ने कोड़े खाए, कीले ठुकवाए और क्रूस उठा के चले, कांटों का ताज सिर में रखा, इतने लोगों की ताड़नाएं सही और इंसल्ट किया गया यीशु मसीह का सबके सामने। उन सब के दुख से अधिक दुख यीशु मसीह को तब लगा जो शायद असहनीय होगा यीशु मसीह के लिए, कि पिता से यीशु मसीह का संबंध थोड़े समय के लिए टूट चुका था, और ये हम आप नहीं जान सकते, या मैं शायद आपको पूरा नहीं समझा पाऊंगी कि यीशु मसीह को उस समय क्या कितना दुख लगा होगा और क्या सोचे होंगे यीशु मसीह, मैं नहीं बता सकती। और जैसे कि मैं बहुत लोगों का सुनी हूँ इस वाणी पे बातें, जो उन्होंने अपने विचार रखे हैं, बहुत लोगों ने, बड़े बड़े परमेश्वर के लोगों ने, और उन्हें अपने अपने तरीके से जो बताया, हो सकता मैं उस तरह से ना बता पाऊँ, लेकिन जो मुझे समझ में आया वो मैं आपको बताऊँगी। जैसे दाऊद कहता है भजन संहिता 23:4 को पढ़ दीजिए, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। बस बस, यहाँ देखिए यीशु मसीह, दाऊद कहते हैं कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। यहाँ यीशु मसीह ये नहीं बोल सक रहे ना, क्योंकि उस समय परमेश्वर उनके साथ नहीं थे, और जैसे हम जानते हैं परमेश्वर पिता अपने भक्तों को उस समय जरूर उनकी दुख की घड़ी में साथ रहते हैं जब वो बहुत पीड़ा में होते हैं। जैसे अपन जानते हैं शद्रक मेशक अबेदनगो, जब उनको पीड़ा की घड़ी आई, उनको आग के भट्टे में डाला गया, तो कौन चल रहा था उनके साथ? चौथा यीशु मसीह चल रहे थे उनके साथ, परमेश्वर चल रहे थे उनके साथ, ठीक है। लेकिन यहाँ यीशु मसीह के साथ परमेश्वर का थोड़ा देर के लिए अलगाव हो गया। यीशु मसीह, मैं नहीं सोचती किसी और गॉस्पल में, सुसमाचार में ऐसा आया कि यीशु मसीह ने कभी परमेश्वर को पुकारा होगा कि हे परमेश्वर पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यही एक ऐसी जगह है जहाँ पे यीशु मसीह ने परमेश्वर को पुकारा, वो भी लिखा जोर से पुकारा। ये यीशु मसीह का प्रेम ही है जो इस दर्द को सहने के लिए वो तैयार हो गए थे। वो इसलिए यीशु मसीह ने इस अलगाव के दर्द को सहा कि मेरा और आपका उद्धार हो जाए। अब परमेश्वर को देखिए, क्या परमेश्वर को दुख नहीं हुआ होगा? वो तो पिता है, क्या परमेश्वर को दुख नहीं हुआ होगा जब यीशु मसीह को वो थोड़े समय के लिए अलग हो गए थे यीशु मसीह से? क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने, जिसके विषय में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। और यीशु मसीह को परमेश्वर ने ही बलिदान किया ताकि मेरा और आपका उद्धार हो सके, मानव जाति का उद्धार हो सके। तो यहाँ परमेश्वर को भी उतना दुख सहना पड़ा, किसके लिए? मानव जाति के उद्धार हो सके, इसके लिए। तो वो परमेश्वर कितना प्रेमी है और यीशु मसीह कितना प्रेमी है, जिन्होंने अपने ऊपर हमारे लिए बलिदान भी तो सहा और परमेश्वर से अलगाव का भी दर्द सहा। जैसे हम पढ़ते हैं यशाया 53:4-11 में, जहाँ लिखा है कि परमेश्वर को यही भाया कि उसे कुचले, परमेश्वर ने ही यीशु मसीह को कुचला। और 5 में लिखा है, हमारे अधर्म के कामों के हेतु वो कुचला गया। हमारे अधर्म के कामों के कारण यीशु मसीह पर इतनी ताड़ना पड़ी। तो यहाँ पे आप, हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह जब प्रश्न करते हैं, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तो क्या परमेश्वर ने कोई उत्तर दिया?
क्या कोई आकाशवाणी हुई जैसे दूसरे जगह में बाइबिल में लिखा है, ये मेरे प्रिय पुत्र है मैं इसे अति प्रसन्न हूँ इसकी सुनो? कोई आकाशवाणी नहीं हुई यहाँ पर। यीशु मसीह के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला, लेकिन यीशु मसीह जानते थे क्यों, क्योंकि परम पवित्र यीशु मसीह को तो पिता से अलग होने का क्या जरूरत था, उन्होंने कोई पाप नहीं किया था, लेकिन वो पाप बने थे हमारे लिए, बनाया गया था उनका हमारे लिए कि हम पाप से पूरा पूरा हमारा बलिदान यीशु मसीह करके पूरा छुटकारा हमको दे। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या क्या नहीं कहा किया हमारे लिए। दूसरी बात हम देखेंगे कि क्यों यीशु मसीह को ये सहना पड़ा, वाई ही सफर्ड, क्योंकि यीशु मसीह ऐसे व्यक्ति बने परमेश्वर के रूप में जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में बिचवई बने। यीशु मसीह परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मध्यस्थता की, उन्होंने मीडिएटर बने यीशु मसीह, इसलिए कि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है और परमेश्वर से जब इंसान का मनुष्य का संबंध विच्छेद हो गया तो उन दोनों को मिलाने के लिए यीशु मसीह को इस धरती पर आना पड़ा। और परमेश्वर जो न्यायी परमेश्वर है वो पाप का उनको न्याय करना ही पड़ा, उसके बिना परमेश्वर को इंसान फिर देख भी नहीं सकता, पाप का दाम चुकाना ही था। इसीलिए तो यीशु मसीह को परमेश्वर का मेमना कहा गया कि जो जगत का पाप को अपने ऊपर उठा ले जाता है। हमारे यीशु मसीह पाप भी बने और श्रापों को भी अपने ऊपर उठा लिया। यही कारण था, यदि हम यीशु मसीह के इस दुख को समझ लें, जितनी जल्दी समझ लें तो बहुत अच्छी बात होगी। उसका उत्तर क्या है, यीशु मसीह क्यों हमारे लिए इस दुख को सहे, जो परमेश्वर से यीशु मसीह को अलग होने का दुख। यीशु मसीह हमारी जगह पे खड़े थे, पूरी मानव जाति की रूप में के पाप को लेकर खड़े थे यीशु मसीह वहाँ पे, और यीशु मसीह की पूरी रजामंदी भी उस समय थी कि वो बलिदान होए हमारे लिए। यीशु मसीह सिद्ध हैं, वो आज्ञाकारी थे और इसीलिए उन्होंने हमें पाप से छुटकारा देने के लिए अपनी आज्ञाकारिता को दिखाई परमेश्वर के बोलने के द्वारा। और यहाँ पे अब और कोई गुंजाइश नहीं बची थी कि हमें और बलिदान के लिए किसी और चीज़ की आवश्यकता हो। यीशु मसीह को यह अनुभव करना ही था कि परमेश्वर से अलगाव का अनुभव कैसा होता है। जैसे कि मैं अभी अभी मुझे समझ में आया कि परमेश्वर से अलगाव के होने के कारण यीशु मसीह को कितनी दुख हुई होगी, कितना दुख हुआ होगा, क्योंकि जब अदन की बारी में मनुष्य ने पाप करके परमेश्वर से अलग हो गया तो आत्मिक रीति से मनुष्य आदम मर गया और परमेश्वर से उसका संबंध टूट गया। उसी चीज़ को, उसी अनुभव को यीशु मसीह को होके गुजरना था, जो हमेशा पिता पुत्र पवित्र आत्मा जो गॉड हेड है उसमें का एक पार्ट है यीशु मसीह। वो कभी तीनों अलग नहीं होते, लेकिन इस समय इसलिए कि उस अलगाव के अनुभव को यीशु मसीह को गुजरना पड़ा कि अलगाव का मतलब क्या होता है। जब तक यीशु मसीह उस अलगाव के अनुभव से नहीं गुजरते तो हमारा पूरा पूरा उद्धार नहीं हो पाता, क्योंकि वही जो अलगाव था मनुष्य का परमेश्वर से, उसी को मेल कराने के लिए यीशु मसीह को आना पड़ा। वो कितनी गहरी पीड़ा का विषय है यीशु मसीह के लिए इस समय, और जो यीशु मसीह क्या सोच रहे होंगे उस समय मैं नहीं बता सकती, मैं अपने शब्दों में भी नहीं बोल पाऊंगी। अभी मुझे समझ में आया कि यीशु मसीह इतना प्यार करते हैं हमसे कि वो इस दुख को भी सहने को तैयार हो गए कि परमेश्वर और यीशु मसीह थोड़ी देर के लिए अलग हो जाएं, भले ही थोड़े समय के लिए, जबकि यीशु मसीह को पूरा पता था कि मुझे पांचवी वाणी भी बोलना है, छठवीं भी बोलना है, जिसमें बोला इट इज़ फिनिश, पूरा हो गया। उन्होंने चेलों को बोला था मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, उनको सब पता था, फिर भी यहाँ पे क्यों बोला कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जैसे इब्रानी 5:8-9 में लिखा है, यीशु ने पुत्र होने पर भी दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी। पुत्र होने के बावजूद भी उन्होंने दुख उठाया और यीशु मसीह के आज्ञा का परमेश्वर के आज्ञाकारी बने। यीशु को क्या जरूरत है ये सब करने का, ये सब सहने की क्या जरूरत है यीशु मसीह को? क्या आपने कभी सोचा, यदि यीशु मसीह इस गहरे दुख से नहीं गुजरते तो शायद मेरा और आपका उद्धार भी नहीं हो पाता। जब हम यीशु मसीह के दुख की गहराई को नाप लेंगे जिस दिन, उसी दिन हम जान पाएंगे कि यीशु मसीह के प्यार की ऊंचाई कितनी है। चौथी वाणी ये साबित करता है कि परमेश्वर पाप से कोई नाता नहीं रख सकता, परमेश्वर देख ही नहीं सकता पाप को, इसीलिए उन्होंने थोड़े देर के लिए यीशु मसीह से अलग होना स्वीकार किया ताकि पाप का जो दाम चुकाना पड़े अलगाव का, वो अनुभव यीशु मसीह को
होने पाए, क्योंकि उन्होंने तो यीशु मसीह ने जैसे भेड़ बध होने के लिए जाता है उसी प्रकार यीशु मसीह चुपचाप थे। जब तक कोड़े पड़े, जब तक कीले ठोके, कांटों का ताज पहनाया गया, तब तक यीशु मसीह शांत थे भेड़ की नाई जो बध होने के लिए जाता है। लेकिन उन्होंने पूरी शक्ति को बचा के रखा इन सातों वाणियों बोलने के लिए, और जो सबसे जोर से पुकार के बोला गया वो परमेश्वर से व्यक्तिगत प्रार्थना जब कर रहे थे यीशु मसीह, हे मेरे परमेश्वर। पिता नहीं बोला उस समय, बोला हे मेरे परमेश्वर। पूरा आदर महिमा परमेश्वर के दिया, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पूरा पूरा दाम यीशु मसीह ने मेरे और आपके पाप के लिए चुका दिया है। इसलिए जो परमेश्वर अपने पुत्र को मेरे लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था, वो परमेश्वर मुझे न छोड़ेगा ना त्यागेगा। इससे मैं हमें क्या सीखना है इस वाणी से, चौथी वाणी से, कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हम क्या सीखते हैं इससे, हम क्या सीख सकते हैं कि जब कभी आपको ऐसा लगे कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, क्या कभी आपको ऐसा लगा, क्या आपने कभी अनुभव किया? परमेश्वर के बड़े बड़े दासों को भी ये अनुभव हुआ है, और मैं सोचती हूँ हम जो छोटे सदस्य हैं, जो परमेश्वर के राज्य के लोग हैं, भले हम प्रजा के रूप में हैं, हम बहुत बड़े प्रचारक नहीं हैं, पास्टर नहीं हैं, लेकिन हमारे जीवन में भी जो विश्वासी हैं, हम हमारे जीवन में भी ऐसा समय आता है कि हमको लगता है कि प्रभु जी ने मुझे छोड़ दिया, और ऐसा लगता है कि मेरे प्रार्थना करने से कुछ नहीं हो रहा। कभी लगता है कि प्रार्थना परमेश्वर सुनता ही नहीं है अभी। कभी लगता है कि मेरे साथ ही क्यों हुआ ऐसा, मैंने इतना क्या पाप कर दिया, जो दूसरों ने पाप किया वो मेरे से ज़्यादा पापी हैं, उनसे मैंने ऐसा ज़्यादा क्या पाप कर दिया कि मेरे साथ ऐसा, मेरे साथ जो दुख हुआ मुझे वो ऐसा क्यों हो रहा है। कभी कभी मन में आता है, आप लोगों पर जरूर से आपके जीवन में ऐसा अनुभव होता होगा। सोचिए परमेश्वर के बारे में। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी तीन बातें, कि जब आपके जीवन में ऐसी परीक्षा की घड़ी आए कि आपको लगे कि परमेश्वर मेरे आसपास नहीं है, मुझे परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव नहीं हो रहा है, और लगता है कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, तब यीशु मसीह का ही अनुसरण करना है। अपनी बाइबिल पढ़ना बंद मत कर दीजिए। जब हम दुख में होते हैं, लगता है परमेश्वर सुन नहीं रहा है, तो बाइबिल पढ़ने से क्या फ़ायदा। आप यीशु मसीह से सीख सकते हैं। हम यीशु मसीह ने क्रूस पर जब वो लास्ट वाणी बोल के अब इस मानव जीवन को समाप्त करने, उनका समय आ गया था, मरने का समय, मृत्यु का समय आ गया था, तब भी यीशु मसीह ने बाइबिल का ही वचन बोला। कहाँ से बोला बाइबिल का वचन? ये जो वाणी है वो पुराने नियम में हम सब जानते हैं, सालों से सुनते पढ़ते आ रहे हैं। भजन संहिता 22:1 में लिखा है। वो किसका भजन है? दाऊद का भजन है। उसी को यीशु मसीह ने क्रूस पे बोला। उसी भजन संहिता 22:1 को यीशु मसीह ने क्रूस पे अपनी चौथी वाणी के रूप में बोला, बाइबिल के वचन। इसलिए प्लीज पढ़ दीजिए। हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तू मेरी, ठीक है। तो यीशु मसीह ने इस समय दुख की घड़ी में, जो उनके लिए बहुत पीड़ादायक समय, उस समय भी यीशु मसीह ने जो वचन बोला, बाइबिल का ही वचन बोला। इसलिए यदि हमारे सामने दुख की घड़ी है, तो भी हमको बाइबिल पढ़ना नहीं भूलना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए, और हो सके तो आप उन वचनों को थाम लें, जैसे पास्टर सीमा गोस्वामी कहती, वचन को थाम लेना, वैसा आप थाम लीजिए, ताकि वो आपको उस संकट की घड़ी से आपको बाहर निकालने में आपकी सहायता करेगा। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरा अनुभव है कि पिछले साल इन्हीं समयों में हमारी बेटी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, और उस एक्सीडेंट में उसका पैर का घुटने का फ्रैक्चर हो गया, उसका लिगामेंट आगे और पीछे दोनों अपनी जगह से हट गया, और फिर उसको इतनी पीड़ा हुई। प्रैक्टिकल 2 दिन के बाद उसका फाइनल प्रैक्टिकल था, और हम दौड़ के वहाँ गए, बहुत परेशान हो गए। हमारे साथ ऐसे ही लगता था कि परमेश्वर ऐसा क्यों हुआ। मैं अपना अनुभव इसलिए बता रही हूँ कि मैं तो मनुष्य हूँ और मेरा अनुभव छोटा सा है, लेकिन यीशु मसीह का सोचे, पूरे मानव जाति का, जिन्होंने अपने ऊपर पाप को उठाया, पाप का बोझ उठाया, उसका मेरा कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, छोटा अनुभव, कि इतना हम परेशान हो गए थे, हम बहुत रोते, परमेश्वर से बार बार पूछते, प्रभु जी हमने ऐसा क्या ज़्यादा पाप कर दिया कि हमारे बेटी के साथ ऐसा हुआ। वो उसका भी मन में आता था कि परमेश्वर क्या हो गया, मैं इतना ज़्यादा पाप कर दिया क्या।
बहुतों ने हमें बाइबल के वचनों से बताया, समझाया और सांत्वना दिए, प्रार्थना किए, बहुतों ने, उनके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। लेकिन उस समय परमेश्वर के वचन में से मैंने इस वचन को थाना इब्रानियों 4:12 में, परमेश्वर का वचन जीवित पवित्र है, और मैं बोलती थी कि वो गूदे गूदे और गांठ गांठ में बोन मेरो में जाके परमेश्वर आपका वचन उधर घुस जाए और उसका बोन को जोड़ दे, उसके लिगामेंट को जोड़ दे। मैं ऐसा प्रार्थना करती थी, सही है कि गलत मुझे नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर ने 1 महीने के बाद ऐसी बड़ी गवाही हमारे जीवन में दिया कि वो ब्लड को साफ करना पड़ा, हड्डी अपने जगह में जुड़ गया और कोई भी नेलिंग प्लेटिंग कुछ भी नहीं करना पड़ा। हमारे लिए वो आज भी जीवित गवाही है। 2 महीने के अंदर हमारी बेटी चलने लगी। हमने कहा, प्रभु इस अनुभव के लिए आपका धन्यवाद, हमें लगा कि आप तो हमें छोड़ दिए हैं और लगता था कोई ईश्वर नहीं है। बिल्कुल ऐसा लगता है, पता नहीं आप लोगों को कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि नहीं, मैं नहीं जान सकती। तो हमें बहुत ऐसा अनुभव हुआ था उस समय कि लगता है कि कोई नहीं है, कोई नहीं सुनने वाला, परमेश्वर हमसे गुस्सा हो गया है। लेकिन हमको समझ में आया बाद में कि परमेश्वर ने कहा, मैं जैवन से बढ़कर तुम लोग को इससे निकालूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब हम जानते हैं, हमको अच्छे से याद है, यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, उसके बावजूद भी हमको ऐसी कभी कभी समस्या आ जाती है, हमारे जीवन में ऐसा अनुभव आते हैं जिसमें हम सोच डालते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है कि नहीं। दूसरी बात मैं बोलना चाहूँगी, प्रार्थना करना भी बंद मत करिए। जब आपके साथ दुख तकलीफ आ रहा है तो आपको प्रार्थना करना भी बंद नहीं करना, जैसे यीशु मसीह ने प्रार्थना किया परमेश्वर से, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर। फिर तीसरी बात, विश्वास करना बंद ना करें, विश्वास में स्थिर रहें उस समय, क्योंकि यीशु मसीह ने पुकारा, क्या पुकारा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, 2 बार बोलना पड़ा यीशु मसीह को। वो कन्फर्म करता है कि यीशु मसीह का पूरा भरोसा परमेश्वर पिता पर है। तो इन 3 बातें बताकर मैं ख़त्म करना चाहूँगी, क्योंकि यीशु मसीह ने इस वाणी के द्वारा हमें यही सिखाया कि हम कोई भी समस्या में हो, तकलीफ में हो, और जब हमें लगता है कि परमेश्वर हमारे पास नहीं है, तो विश्वास करें, वचन को थामे रहें और परमेश्वर विश्वास करें, यीशु मसीह पर विश्वास करें, जिसने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। तो हमें क्या करना चाहिए, उन पापों को फिर से ना दोहराएं जिनकी सजा यीशु मसीह को सहनी पड़ी। हमें खुद को जांचना है कि हम, कई बार ऐसा होता है कि अपने हिडन सिन जो होते हैं, छिपे पाप, जो हमें कभी कभी अच्छे लगते हैं, जिनको हम एंजॉय भी करते हैं कभी कभी, ऐसी सब मानव स्थिति रख के, मानसिक स्थिति रख के भी कभी कभी हम आराधना में बैठ जाते हैं और आराधना करते हैं, तो परमेश्वर को ये पसंद नहीं है। जिस यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए दुख सहा, वो हम सबको आशीष दे, और जिस अंधकार और पिता के अलगाव की पीड़ा से जिस यीशु मसीह को गुजरना पड़ा, वो अपनी ज्योति हम पर चमकाए। एक प्रश्न मैं आपसे, आपके लिए छोड़ूंगी कि क्या मैं उस यीशु मसीह की आभारी हूँ जिसने मुझे पापों की क्षमा देने के लिए इतने गहरे दुख को सहा? क्या मैं धन्यवादित हूँ? ये प्रश्न है आपके और मेरे लिए। क्या मैंने कभी सोचा कि यीशु मसीह को इस अलगाव के दुख से गुजरना पड़ा, जिसके बिना यीशु मसीह को पूरा बलिदान नहीं हो पाता शायद? और एक लाइन और कहना चाहूँगी कि इस समय जब हम अपने घरों में बैठे हुए हैं, हम लॉकडाउन की स्थिति में हैं, घर में हैं, चर्च में आराधना नहीं कर पा, गुड फ्राइडे की, तो मैं जब विचार कर रही थी तो मुझे लगा शायद ये सही गुड फ्राइडे है, जो गुड फ्राइडे और ईस्टर है, जिसमें ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन के समय में आपको आइसोलेशन करना है, घर में बंद रहना है और सोशल डिस्टेंसिंग करना है, मतलब एक दूसरे से दूरी बना के रखना है, लेकिन परमेश्वर से अपनी निकटता बनाए रखिए, ताकि हम अपने आप को जांचें और परमेश्वर के और निकट आए, ताकि हम, जैसे पास्टर ने कई बार कहा है कि हमें परमेश्वर के सामने, न्याय सिंहासन के सामने और यीशु मसीह के सामने खड़े होने का हमें हियाव होना चाहिए। हम कैसे खड़े होंगे यीशु मसीह के सामने? हम अपने आप को इस तरह से तैयार करें कि हम यीशु मसीह के सामने खड़े होने के योग्य अपने आप को बना सकें। तो ये मैं यही कहना चाहूँगी कि यीशु मसीह के दुख को हम याद करते हैं तो हम अपने आप को जांचें कि क्या हम प्रभु में बने हुए हैं, क्या हम उसकी उपस्थिति में बने हुए हैं, क्या हम उसके हाथ को अपने सिर में रखा देखते हैं कि परमेश्वर हमारे पास है, और जो हमें कहता है कि मैं तुम्हें जैवन से भी बढ़ के निकालूंगा। इस दुख के लिए मैं यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ, जो मुझे इतने साल के बाद समझ में आया कि मैं सोचती थी ये, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया का क्या मतलब है? मैंने पहली बार समझ में आया कि जो अलगाव का, आदम और मनुष्य परमेश्वर के बीच में जो अलगाव था, वो अनुभव को यीशु मसीह को गुजरना ही पड़ा, और उसी के लिए यीशु मसीह को चिल्लाना पड़ा, प्रभु हे पिता, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे
क्यों छोड़ दिया, अदरवाइज जितने भी दुख उन्होंने सहे वो चुपचाप सह लिए, उनके लिए कोई प्रश्न परमेश्वर से उन्होंने नहीं किया, लेकिन एक ही प्रश्न किया कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो गुड फ्राइडे का समय है, यीशु मसीह के क्रूस पर जो मृत्यु हुई उस समय की जो घटना है उसके बारे में दुख भोग सप्ताह के बहुत ढेर सारे गीत बने हैं और बहुत ढेर सारे पोयम कविताएं बने हैं, लेकिन उन गीतों से और उन पोयम से हम परमेश्वर के दुख, यीशु मसीह के दुख को बता नहीं सकेंगे, लेकिन हम उसका अनुभव थोड़े समय थोड़े डिग्री तक कर सकते हैं, लेकिन हम पूरा पूरा बखान यीशु मसीह के दुख का नहीं कर सकते। मैं चाहती हूँ कि भाई जेवियर यहाँ आए और यीशु मसीह के दुख का एक गाना है, दुख भोग सप्ताह का एक गाना है जो वो गाएं। एक गीत है, तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा। जो घर में बैठे हैं यदि आपको आता है तो जरूर हमारे साथ गाइए। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा। लहू की कीमत जरा, मरियम की ममता से पूछ, इकलौते बेटे का दाम पाक यहोवा से पूछ, पूरी शिफा का पैगाम कांटों से कोड़ों से पूछ, पूरी शिफा का पैगाम कांटों से कोड़ों से पूछ। जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू देता है हमको जया, तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के समय के लिए धन्यवाद देते हैं यीशु राजा, आपके दुख की घड़ी में जो आपने सहा, उन सब घटनाओं को हम याद करते हैं तो हमें समझ में आता है कि आपने हमारे लिए, केवल हमारे लिए, हमारे पापों की क्षमा के लिए, पूरा उद्धार करने के लिए आपको दुख सहना पड़ा, और परमेश्वर के आज्ञाकारी आप बने ताकि हमारा मेल परमेश्वर से हो सके, जो हम बहुत पहले छोड़ चुके थे, परमेश्वर से हमारा अलगाव हो चुका था, हम फिर से मेल आपने हमारा परमेश्वर पिता से कराया, और इस दुख को सहने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और होने दे पिता परमेश्वर कि हम आपके दुख में शरीक हो सकें और अपने आप को पहचान सकें कि जिस यीशु ने हमारे लिए अपने लहू को बहाया और इतनी पीड़ाएं सही, हम उसके लिए अपने जीवन को बिताने वाले हो सके। हम धन्यवाद देते हैं और इस दुआ को सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं पिता, और इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।